बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहजाद व्लॉग्स। आज मैं एक और व्लॉग से दुबई से आपके साथ हूँ। इस वक्त हूँ मैं इंटरनेशनल सिटी, दुबई इंटरनेशनल सिटी में। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करा दूँ कि दुबई इंटरनेशनल सिटी, इसको ये कहते हैं कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स ए से लेके जेड तक जितने भी कंट्री के नेम होते हैं और उनकी नस्बत से या उनके जो कहते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, बिल्डिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस तरह के यहाँ पे फ्लैट्स बने होते हैं और उसको कहते हैं कि क्लस्टर। तो हर कंट्री का अपना क्लस्टर है, तो उनके डिज़ाइन के मुताबिक ये जो है ना फ्लैट्स और ये बनाए जाते हैं। तो इस तरफ आप देख सकते हैं सामने जो फ्लैट्स हैं ये हैं पर्शिया, तो ये ईरान, तो ईरान की जो रेजिडेंस है उनकी मुनासबत से या उनके साथ मिलते जुलते जो है कंस्ट्रक्शन वो की गई है। और इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये ग्रीस के मॉडल्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा जो होगा क्लस्टर या इस तरफ आपको जो नज़र आएगा ये सारा ग्रीस होगा। तो इसमें ये इंटरनेशनल सिटी में जो है हर कल्चर को शो करता है कि ग्रीस में जो बिल्डिंग्स हैं वो किस तरह होती हैं। तो ये देख सकते हैं कि ग्रीस को, तो ये सारी बिल्डिंग्स आपको एक ही तरह की नज़र आएंगी। ये सारा क्लस्टर है और इनके नीचे देखें सुपरमार्केट्स और नीचे शॉप्स होती हैं, ऊपर फ्लैट्स होते हैं। इसी तरह अगर आप दूसरी तरफ देखें इस तरफ, तो ये कलर और ये फ्लैट्स आपको नज़र जो आ रहे हैं ये हैं पर्शिया, ईरान। तो ईरान की जो कंस्ट्रक्शन की लुक है या रेजिडेंस हैं वो इस तरह की आलमोस्ट होती है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रोड्स हैं, उसके अलावा यहाँ पे प्लांटेशन भी की है इन्होंने। तो इट मींस इफ़ यू कम हियर इंटरनेशनल सिटी यू विल सी डिफरेंट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन और यहाँ पे रेजिडेंस जो है ना द कंट्री। तो अभी ये मेरे आमने सामने दो क्लस्टर हैं, एक पर्शिया, इस तरफ पर्शिया जो आपको नज़र आ रहा है। तो दुबई जो है ना अमेजिंग है। दुबई ने जो है ना ये एक सिटी बना दी है इंटरनेशनल सिटी, ए से लेके अल्फ़ाबेट से लेके जेड तक जो बड़े कंट्रीज़ हैं, 12 कंट्रीज़ जो भी आएगा ए बी सी, तो उसके हिसाब से उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन किया और उसको एक क्लस्टर का नाम दे दिया है, पर्शिया, इंग्लैंड एंड जर्मनी जो भी आएंगे आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस वक्त जो मैं खड़ा हूँ वो है, आपको पहले ही बताया कि पर्शिया और यूनान का ग्रीस। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि पार्किंग प्लेसेस छोड़ी हैं और आप पार्किंग जो है ना राइट यहाँ, ये नहीं है पाकिस्तान या कि जहाँ मर्जी गाड़ी खड़ी कर दी, तो गुड स्पेस फॉर पार्किंग। और दरमियान में इन्होंने प्लांटेशन भी की है, पौधे भी लगाए हैं, क्योंकि ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है सहरा है, तो सहरा पे ये सारी कंस्ट्रक्शन है। तो मैं ये हूँ इंटरनेशनल सिटी, जो दुबई इंटरनेशनल सिटी के नाम से जाना पहचाना जाता है। तो यहाँ भी मोस्टली आपको हर कंट्री के लोग नजर वो भी यहाँ रहते हैं, तो मुख्तलिफ नेशनैलिटी के लोग प्रेफर करते हैं दुबई इंटरनेशनल सिटी में रहना, बिकॉज दे लव देयर कहते हैं ना जो लाइकिंग है, जिस तरह के उनको फ्लैट्स चाहिए तो वो कहीं किसी क्लस्टर में जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप आज का ये व्लॉग आपको दुबई इंटरनेशनल सिटी से अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ मैं हूँगा आपके साथ।